एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फूट गया अंदर उसका। वहाँ लिखा है बृहन मुंबई महानगर पालिका आपका स्वागत करता है। हाँ ले लिया मैंने, पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब बच्चे लोग साइकिल चलाने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौसम तो एकदम सुहाना है। मैं जा रहा हूँ अपने घर गोरेगांव के घर पर राखी लेने। राखी वहाँ पर आ गया है और देखना है कि मुंबई सेफ है या नहीं है इस ट्रैवल के लिए। ये देखना है क्या मुंबई अभी सेफ है ड्यूरिंग लॉकडाउन में निकलने के लिए। देखते हैं मुंबई में क्या हालचाल है, क्या चल रहा है मुंबई में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए चैनल पर। ये मैं हाईवे टच हो गया, मुझे जाना है पहले पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरा लेता हूँ। टैंक हो गई है फुल, अभी भराना है हवा। पेट्रोल भर लिया, हवा भर लिया, अब मुझे जाना है रोड के उस साइड। और यहाँ कहीं से भी बीच में कट नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा। रुक जा, बारिश भी आना स्टार्ट हो गई। हल्की बारिश भी हो रही है पर ठीक है, मज़ा आ रहा है। एक मिनट में बारिश और एक मिनट में धूप, क्या है ये, क्या है, क्या क्या मस्त लग रहा है। ट्रैफिक लाइट तो होता है, टुक टुक ऑटो रिक्शा आपके सिटी में क्या बोलते हैं इसे बताना मुझे कमेंट में। ये है मुंबई अहमदाबाद जयपुर हाईवे। यहाँ से मैं आगे जाऊँगा फाउंटेन होटल, फाउंटेन होटल से मुंबई स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ियाँ तो नॉर्मली चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ लॉकडाउन है या कंटेनमेंट जोन आगे पीछे है। हाईवे है, इतनी गाड़ी तो चलती है हमेशा। बट अब देखना है कि मुंबई के अंदर में जाकर ऐसे ही नज़ारे देखने मिलते हैं या ऐसे ही गाड़ियां चलती है। ये है बेसिन ब्रिज। पूरे शहर का जो गंदगी, जो पानी है वो ऐसे नाले से होके सी में पूरा मिल जाता है। ये साइड है मेरे थाने सिटी और ये साइड है मुंबई सिटी। मुझे जाना है ये साइड, राइट साइड। ये है फाउंटेन होटल, बहुत ही फेमस होटल है। इस जंक्शन से गुजरात, सूरत, अहमदाबाद के लिए बस छूटती है। कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। जी हाँ, मैं इसी होटल की बात कर रहा था, फाउंटेन होटल। टॉयज वाले सालों से यहाँ पर, सालों से देख रहा हूँ, कम से कम मैं 8-9 साल तो हो गया देख ही रहा हूँ। ये है मीरा रोड, मीरा गांव, इसके आगे मुंबई सिटी। मुंबई में एंट्री करने वाले कम लोग दिखाई दे रहे हैं, मुंबई से एग्जिट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये मीरा रोड का फ्लाईओवर है और ये डायरेक्ट रीच होएगा दहिसर चेक नाके पर। इस चेक नाके के आगे मुंबई, यहाँ तक मीरा भाईंदर और ठाणे। जब आप मुंबई में एंट्री करेंगे तो 35 रुपीस कार के लिए लगता है, बट बाइक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ लिखा है बृहन मुंबई महानगर पालिका आपका स्वागत करता है। पुलिस की चेकिंग और ये बन रहा है
मुंबई मेट्रो का काम। जी हाँ, मुंबई कोलाबा से मेट्रो आएगा और डायरेक्ट भाईंदर तक, मेट्रो 9, लाइन नंबर 9। कुछ भी नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है या कंटेनमेंट जोन है ऐसा देखकर। ये BST बस में भी लोग भरे हैं, पर एक सीट में एक ही आदमी भर रहा है। ये टोल का लाइन है, हमारा लाइन कहाँ है फ्री वाला। बाइक का यही फ़ायदा होता है कि कहीं से भी निकल जाओ, ट्रैफिक में अटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है दहिसर, दहिसर ईस्ट। इतना गवर्नमेंट पैसा खर्चा करती है यार, कुछ तो सुधारो। ये मेट्रो का स्टेशन बनेगा यहाँ पर, दहिसर स्टेशन। सारे जगह पे कोरोना का बोर्ड लगाया है मुंबई में, जहाँ देखो वहाँ पर कोरोना का बोर्ड आके रखा है। ये जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है ये काम। पाँच महीने के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ मुंबई के साइड जाने के लिए अपने स्कूटर पे, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। गाड़ियाँ बराबर चल रही है, मतलब जितना पहले चलता था उतना ही अभी दिख रहा है, बट थोड़ा सा कम है लोगों का बाहर निकलना। ये भी मेट्रो का स्टेशन, एक्सेलेटर लग गए हैं। यहाँ से चालू होता है बोरोवली नेशनल पार्क। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है मानसून ड्यूरिंग मुंबई, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से गेट है नेशनल पार्क का, बहुत अच्छा वीडियो है। अगर नहीं देखा तो जाके दे दो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। ये इलाका है बोरीवली, बोरीवली ईस्ट, बोरीवली का ये मेट्रो स्टेशन बनेगा। एक बाइक वाला मेरे पीछे से बहुत तेज़ी से निकल के गया, मालूम ही नहीं पड़ा कि कब आके पार हो गया, देखा आपने। लॉकडाउन के वजह से लग ही नहीं रहा कि कुछ कंटेनमेंट जोन है, बट हाईवे पे इस वक्त यहाँ पर बहुत ही खाली है, इस रास्ते में गाड़ी चलाने को मिलता ही नहीं है। ये मेट्रो स्टेशन पूरा बनके तैयार हो गया है और यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते। एक कांदीवली और मलाड के बीच का एरिया है, एयरपोर्ट यहाँ से 12 किलोमीटर है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वही इलाका है जहाँ पर मुंबई के कांदीवली में लैंडस्लाइड हुआ था। 2 दिन पहले ही मैं इस रास्ते से गया था और 2 दिन के बाद मुझे खबर आई कि यहाँ पे इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है, विश्वास ही नहीं हो रहा था ये देखने के बाद में। ये है मलाड इलाका, मलाड ईस्ट, इसके बाद आएगा कोरेगांव, राम मंदिर और जोगेश्वरी। मुंबई फिल्म सिटी कोरेगांव जाना है तो यहाँ पर आना होगा आपको ओबेराय मॉल, और ओबेराय मॉल से यहाँ से अंदर जाना रहेगा तो चले जाएंगे मुंबई फिल्म सिटी। यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो आरे कॉलोनी। जी हाँ, आरे कॉलोनी बहुत ही हो हल्ला हुआ था, सेव द ट्रीज, सेव आरे, ऐसा करके बहुत कैंपेन चला था, बहुत सारे एक्टर उसमें ज्वाइन हुए थे, पूरे मुंबई से आवाज़ आई थी आरे को बचाने के लिए, आरे के जंगल ना काटे। बट फैक्ट ये है कि बहुत सारे पेड़ काटे गए, ये है आरे का जंगल जहाँ पर मेट्रो का कार शेड बनने वाला था, वो बनके ही रहेगा।
और इसी के पीछे है फिल्म सिटी। ये इलाका है गोरेगांव वेस्ट। मेरा घर, मॉम डैड का घर इस बिल्डिंग के पीछे है, अपार्टमेंट जो कि आता है राम मंदिर एरिया में। मैंने यू टर्न ले लिया और यहाँ से मुझे मुंबई एग्जीबिशन सेंटर और नेस्को क्रॉस करके लेफ़्ट में जाना पड़ेगा राम मंदिर स्टेशन के लिए। जी हाँ, मेरा घर राम मंदिर स्टेशन के पास है। राम मंदिर रेलवे स्टेशन, जो कि गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में नया रेलवे स्टेशन बना है, लेफ्ट हैंड साइड में है नेस्को एग्जीबिशन सेंटर, जिसे मुंबई एग्जीबिशन सेंटर भी कहा जाता है, और ये इसके अंदर में है। क्या बिल्डिंग है यार, ये हाईवे को एसी रोड से जोड़ता है। वो बड़ी वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो है सनटेक सिटी। इसी के जस्ट नीचे मेरा अपार्टमेंट है। कोरोना, वी कैन स्टॉप कोरोना, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एनी वन दैट हैज़ फीवर एंड कफ। समझे बाबू भैया। और ये है राम मंदिर रेलवे स्टेशन। क्या मालूम कब चालू होगा ट्रेन और कब ट्रेन की ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी फिर से। सारे मुंबई में कोरोना कोरोना और कोरोना के ही बोर्ड लगे हैं। ये कुछ प्लेयर खेल रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बॉलिंग और बैडमिंटन, स्विमिंग, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, गोल्फ, रनिंग और साइकिलिंग। ये थिएटर है मूवी स्टार। मैं यहाँ पर आया करता था पिक्चरें देखने। ये है मूवी स्टार, बट अभी बंद पड़ा है। गोरेगांव का घर आने में 45 मिनट्स लगा। आप देख सकते हो सनटेक सिटी। जी हाँ, ये सनटेक सिटी की बिल्डिंगें हैं। वो रेड कलर का जो दिख रहा है वो मेरा बिल्डिंग है, मॉम डैड यहाँ रहते हैं। और ये है सनटेक सिटी, बहुत बड़ा बनाया है, 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ से 1 BHK का फ्लैट है इसमें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक लाइक कर देना वीडियो को। घर का काम हो गया, सब सामान यहाँ, और अब मैं निकल गया हूँ अपने घर की ओर। तो नाइट टाइम में मुंबई हाईवे कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये है मालाड, और ये है मालाड का मेट्रो स्टेशन जो अभी बन ही रहा है। मैंने गोप्रो का बहुत लोगों से सुना है कि नाइट मोड वीडियो शूट अच्छे से नहीं करता है, बट ये तो मुझे एकदम क्लियर लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है इसका व्यू, अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको समझ में आएगा। एक टाइम ऐसा होता था इस रास्ते पे कि आधा आधा घंटा एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ता था, इतना ट्रैफिक होता था इस जगह पे। बट ड्यू टू लॉकडाउन, कोविड, कोरोना, रास्ते पे गाड़ियाँ कम है और मज़ा आ रहा है। ये है ऊपर यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस, यहाँ से प्रिंट होता है। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर हुआ करता था, अभी भी है, बट कोरोना की वजह से पूरा बंद। नज़र आती दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया या
एक्सीडेंट हो गया। उसका सर फूट गया अंदर उसका। लफड़ा हो गया। ये अपना ढाबा है, यानी कि अपना ढाबा है सच में। ये एक्सीडेंट जो हुआ उसका कारण था, जो वैगनार के अंदर में बैठा था उसने चलती गाड़ी से थूका और वो थूक जाके गिरा बुलेट वाले के ऊपर और बुलेट वाला नीचे गिर गया और बुलेट वाले ने उसको अच्छे से धो दिया। सो फार सो गुड। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि और ऐसे ही मोटो व्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग JK यात्रा। इस पेट्रोल पंप से मैंने मॉर्निंग में पेट्रोल फिल किया था और वो जो ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है वहाँ से दिखा रहा है नायगांव।